भगवान को वही लोग अच्छे लगते हैं जिनके हृदय में निष्कपटता हो, मन में पवित्रता हो। इसलिए रिश्तों को थोड़ा समझो, और आज से आप अपनी जेठानी से बात करेंगे, साथ में रहेंगे। कुछ लोग जो बात नहीं करते, साथ में नहीं रहते, हम ये नहीं कहते कि साथ में रहो मतलब एक साथ, हम ये कहते हैं कि कोई भी फंक्शन हो, त्योहार हो, कोई उत्सव हो, तो एक साथ रहो। सामने वाले को ये ना लगे कि ये इन दोनों की खटापटी चल रही है। आप भाई भाई आपस में नहीं मिलते तो फिर पड़ोसियों से मिलने का लाभ क्या है? वही पड़ोसी कल मजे लेंगे आपकी, कह रहे तुम्हारे तो भाई से तुम्हारे 36 काकड़ा है। जमाने के लोग गैर लोग अपने से लग रहे हैं, और जिस भाई के संग, जिसके संग खेले खाए पले बढ़े, एक थाली में भाई भाई, जब कोई भी भाई, आप में से जितने भी भाई होंगे ना, आप लोग बचपन में सब एक दूसरे के कपड़े चेंज करके पहन लेते थे, तुम्हारी हमने पहन लिए, हमारे तुमने पहन लिए, एक थाली पर दोनों भाई खाने बैठ जाते थे। क्यों जी, आप अपने भाई के साथ ही भाई है तो कभी ना कभी उसके साथ खाया जरूर होगा, उसका पैंट आपने पहना जरूर होगा, उसकी शर्ट आपने पहनी जरूर होगी, वही शर्ट वही पैंट पहनने वाला भाई, वही संग में सोने वाला, खाने वाला, हंसने वाला, लड़ने वाला, झगड़ने वाला भाई, आज तुम इतने समझदार हो गए कि उसी के दुश्मन बन गए। ये कौन सी समझदारी, ये क्या पढ़ लिया आप लोगों ने? इससे अच्छे तो तभी थे जब कम पढ़े थे आप लोग, साथ में रहते थे। क्यों जी, भाई भाई साथ में रहते थे तब कम पढ़े लिखे थे, अब ज्यादा पढ़े लिख गए तो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। बताओ कौन सा भाई चाहिए आपको, वो कम पढ़ा लिखा वाला जो साथ में रहे वो, या ज्यादा पढ़ा लिखा वाला जो एक तरफ देखे तक ना भाई को? ऐसी पढ़ाई मत पढ़ लेना, है ना। और रिश्तों को थोड़ा समझ